निरीक्षण चलाया गया और रीडिंग की पट्टी एसएसपी सर का जो गंभीरता था, जो नेतृत्व था, उसका नतीजा है कि आज सभी जवान बिल्कुल अपने इस महिमामय क्षण में शामिल हो रहे हैं। एक भी जवान घायल नहीं हुआ प्रशिक्षण के दौरान, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मुजफ्फरपुर जिले के स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में प्रशिक्षित जवानों का आज पारण परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कई अन्य जिलों के 350 से भी ज्यादा प्रशिक्षित जवान शामिल हुए। पारण परेड में शामिल जिलाधिकारी एसएसपी जयंत कांत, डीएम प्रणव कुमार सहित कई अधिकारियों ने इस मौके पर प्रशिक्षित जवानों का हौसला बढ़ाया। 55 रिक्रूट्स ने पासिंग आउट परेड के पश्चात में आज पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में के जिला बल के रूप में जो है यहाँ से उन्होंने अपना पासिंग आउट परेड पूर्ण किया है। 217 दिनों का ये पासिंग आउट परेड था, जिसमें इनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स दी गई, जिसमें ड्रिल, परेड, इसके अलावा ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग दी गई। जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को इन लोगों ने क्रॉस किया और अब ये लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ के जो जिला बल है उसके रूप में। इस सीजन में हम लोग ऑलरेडी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोगों का कंट्रोल रूम स्थापित होकर के लगातार चल रहा है। जो जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर लगातार नज़र रखी जा रही है। प्रत्येक अंचल में अंचल अधिकारी एवं संबंधित तमाम पदाधिकारियों को हम लोगों ने अलर्ट पर किया हुआ है और जहां कहीं भी हमारे बाढ़ के लिए बांध बने हुए हैं, नदियों पर बांध बने हुए हैं, सभी बांध इंटैक्ट हैं, सभी स्लुइस गेट की मरम्मती कराई जा चुकी है। जो जलस्तर बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग निश्चित रूप से एक्ट करेंगे और तुरंत हम लोग हर संभव सहयोग और सहायता करने के लिए तत्पर हैं। भारतीय में सब कटाव है और जो कटाव हो रहा है, जो आपने प्रतिविधित किया है, उसको देखने के लिए भी संबंधित इंजीनियर्स को ऑलरेडी डायरेक्शन दिया गया है और निश्चित रूप से उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।